जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। हमें हर झूठ को बेनकाब करना है। सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। जब इनका एक झूठ लोगों पर काम नहीं करता तो उससे बड़ा दूसरा झूठ गढ़ते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठा दिलासा देने के लिए यही कर रहे हैं। मैं तो आप भी तो देखते होंगे ना, 2019 में जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर उनका कब्जा हो, ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। साथियों, आज केंद्र की भाजपा सरकार ओडिशा के गौरव को, ओडिशा को बड़ी प्राथमिकता दे रही है।